ओम चंद्रमा मन सूर्यात शक्षो सूर्यो अजायत सोत्राद्वायश प्राणश मुखादग्निरजायत इदगुंगवी प्रजननम मे अस्तु दसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुला मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मा सुदत्त श्रीराम 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 रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः मनोजबम मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धि मतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री सीताराम चंद्र भगवान की गौ माता की गंगा मैया की भारत भूमि की पूज्य पतंजलि पीठ वाले स्वामी जी महाराज की आपके संपूर्ण परिकर की पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम की बागेश्वर बालाजी की पूज्य पाद श्री दादा गुरु जी महाराज की पूज्य पाद सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की अपने अपने मताई बाप की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बुंदेलखंड के वक्ष स्थल पर विराजमान पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम पूज्यपाद सतगुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा और स्वयं रूप में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज की दया आज बड़ा ही विलक्षण क्षण है, बड़ा गौरवान्वित क्षण है। एक ऐसे महर्षि, एक ऐसे ऋषि, एक ऐसे आचार्य छोटे से धाम पर पधारे हैं जिन्होंने संपूर्ण भारत वर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में पुनः योग से जोड़ करके परमात्मा के मिलन की यात्रा प्रारंभ की और निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज श्री बागेश्वर बालाजी इनकी बड़ी महती कृपा है, इनकी बड़ी दया है कि आप यहां पधारे और आशीर्वचन देने के लिए हम आप सबको कृतार्थ करने के लिए यहां पर आए। योग एक ऐसा विषय है, प्रायः अगर ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, पूज्य स्वामी जी विराजमान है, वर्तमान युग के पतंजलि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है, वर्तमान युग के पतंजलि हैं आप, वर्तमान समय के पतंजलि हैं। योग एक ऐसी परंपरा है जो संपूर्ण विश्व में एक समय लुप्त हो चुकी थी। योग तो प्राचीन पद्धति है परंतु एक समय ऐसा था आज से 15 से 20 वर्ष पहले कोई नहीं जानता था योग के बारे में, योग के बारे में कोई करना नहीं चाहता था, योग का मतलब सिर्फ जोड़ना जानता था व्यक्ति, योग का मतलब जोड़ होता पर जोड़ नहीं पाता था, उसे क्रियान्वित नहीं कर पा रहा था, उसे उसका अनुसरण नहीं कर पा रहा था। जैसे बात वही है किसी बड़े अमीर के घर पर कोई बहुत बड़ी कंपनी के द्वारा कोई बहुत बड़ी मशीन हो, मशीन एकदम ऑटोमेटिक हो पर उससे चलाते ना बने तो वो मशीन किसी काम की नहीं है। उसी प्रकार भारत के पास एक ऐसी धरोहर थी योग पद्धति जिससे बड़े बड़े आचार्यों ने परमात्मा की प्राप्ति की तो सबको पता तो था पर कोई कर नहीं पा रहा था। और वर्तमान के समय में जब से पूज्य स्वामी जी का भारत में आविर्भाव भया और आपने अपनी योग परंपरा के कैंप, योग परंपरा की चेतना, योग परंपरा के छोटे छोटे नुक्कड़ नुक्कड़ गांव में जाकर के विधान शुरू किए, योग करना प्रारंभ किया तो आज भारत ही नहीं अब तो पूरा विश्व योग परंपरा से लाभान्वित हो रहा और निरोग हो रहा। इस बात को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। दो दिन पहले एक बहुत अमीर आदमी यहाँ बैठे थे, चर्चा चल रही थी, अमीर आदमी मतलब दिल के अमीर, पैसों के अमीर नहीं,
पैसों के अमीर तो किसी काम के नहीं। एक बहुत अमीर आदमी यहाँ बैठे थे, हमारी उनसे चर्चा चल रही थी। हमने कहा स्वामी जी आ रहे हैं, परसों आना ही हमारा हुआ था तो उनसे बैठे बैठे यूं ही चर्चा हुई। हमने कहा स्वामी जी आ रहे हैं, थोड़ा बोला व्यवस्था देखना। बोले महाराज जी स्वामी जी। हमने कहा, उन्होंने हमको कहा महाराज जी सच कह रहे हैं। हमने कहा बोलो। बोले महाराज जी हम जापान गए, जापान में वहां पर जो वो पिलाते हैं चाय वाय, तो वो कोई वज्रासन बैठक करके वो पिलाते हैं। बोले महाराज जी हमसे तो बन नहीं रहा था। तो बोले एक माया का पूरा शेड्यूल था, बहुत सी टीम गई थी, भारत के बहुत से बड़े बड़े लोग गए थे। उन्होंने कहा महाराज हमने एक दिन पूछा वहां के लोगों को, जो हिंदी भी जानता था अंग्रेजी भी जानता था, उसको पूछा ये वज्रासन ये योग ये क्या है, ये हमारी समझ से बाहर है। उसने जवाब दिया तो चौंक गए। बोले दरअसल ये भारत की बहुत बड़ी वस्तु है जो हम लोग अनुसरण करके इसे पूरे देश में पहुंचा रहे हैं। जापान का नागरिक दूसरे देश में रहने वाला व्यक्ति हमारे भारत की महिमा को इसीलिए गा रहा है क्योंकि यहाँ योग है। योग का मतलब जोड़ना होता, जोड़ने का अर्थ हम हैं आत्मा और प्रभु है परमात्मा। इस आत्मा के परमात्मा के मिलन की यात्रा के बीच में जो क्रियाएं शरीर के संबंध से की जाती हैं उसे ही योग कहते हैं। अब वो हमारे पूज्य स्वामी जी ने एक ऐसी परंपरा प्रारंभ की, एक ऐसी, और हम तो यही कहेंगे बागेश्वर धाम से ऐसी बालाजी की अंतरंग प्रेरणा कि स्वामी जी का बार बार आना होता रहे। स्वामी जी आ जाएंगे तो हमारा क्षेत्र भी बड़ा निरोग हो जाएगा। यहाँ बीमारों की बड़ी हड़ताल है, कोई किडनी तो कोई कैंसर तो कोई कुछ कोई कुछ, बालाजी के चरणों में आती रहते हैं। पर आप बार बार पधारते, ऐसा हो पाना बड़ा मुश्किल है, ऐसा हो पाना भी बड़ा मुश्किल है। एक बार नहीं तो दो तीन बार प्रोग्राम ना जाने कहाँ का कहाँ होगा। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है स्वामी जी की हंसी से कि आप चिंता ना करो, हम आते रहेंगे। महाराज जी ना भी कहें तो हमने कह दिया, अब बाद में खबर नहीं वो हाँ भी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, खबर नहीं। लेकिन हमें याद है यहाँ पर जब मंच लगा था, जगत गुरु जी विराजमान थे, लगभग 1.5 लाख लोग, तब स्वामी जी ने एक वीडियो भेजा था। उसमें उन्होंने कहा था ये हमारे छोटे भाई जैसे हैं, तो बड़े भाई पर ज्येष्ठ भ्राता पितृ समान, शास्त्र कहते हैं जेठा भाई पिता के समान होता है और पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। अधिकार तो बात करें तो शास्त्र कहता है कि हमारा अधिकार है मांगने का। तो स्वामी जी जब बार बार आते हैं, क्यों जी चाहते हो आप सब? नहीं चाहते, झूठले हो। चाहते हो? अरे कक्कारो नाक ना कटाओ, चाह तो आगे के लगे। अगर स्वामी जी बार बार दो चार से महीना में आ उतरे तब जो है कैंसर की ठटरी सी भर जाए। बार बार स्वामी जी का आगमन होता रहे। अब अपनी वाणी से हम क्या बोले, कहां सूर्य देश और विदेश में पूरी जगह यात्राएं की, कहां हमारे जैसे मूर्ख अनपढ़ आदमी, अब क्या हम स्वामी जी को कह दें। स्वागत में भी कुछ भी नहीं है, ना टेंट है, ना बैठने की व्यवस्था है, ना जगह है, ना स्वागत के लाने हम तो माला लोनी डाल पाए ढंग से, हमें लगा तो। लेकिन सच बोले कभी कभी प्रेम जिससे ज्यादा होता है, जिससे अत्यधिक प्रेम हो उससे वाणी से बात ना हो तो आंखें बोल जाया करती है। वस्तुओं से स्वागत प्रेमी का ना हो चलेगा। फूल उपहार रोज गुलाब माला या गुलदस्ता आदि से किसी का स्वागत ना हो चलेगा, पर आवत ही है हर से नहीं नैनन नहीं सने। अगर आते ही उसके आपके अंदर गदगदता नहीं है, एक प्रसन्नता नहीं है, एक मंत्र मुग्धता नहीं है, तो समझना आपके प्रेम में कमी है। और हमारी तो वाणी भी रुक रही है, इसका मतलब प्रेम बहुत ज्यादा है। ये तो स्वामी जी समझ सकते हैं। तो ऐसे पूज्य स्वामी जी यहाँ विराजमान भय, वर्तमान युग के पतंजलि विराजमान भय, बुंदेलखंड का आज सौभाग्य है, इस धरा का सौभाग्य है और बागेश्वर धाम के सभी अनुयायियों का सौभाग्य है। हम तो बागेश्वर बालाजी से यही प्रार्थना करेंगे कि पूज्य स्वामी जी संपूर्ण विश्व में तो पताका फहरा ही रहे, अब जो अधर्मी हैं विधर्मी हैं जो योग आदि को नहीं जानते उनके भीतर भी घुस करके ध्यान की यात्रा प्रारंभ करवा दें। आगे के लगे अब या वो इंजन चालू तो रहो, जब मैंने आधा घंटा बोल रहा हूँ ऐसे पूज्य स्वामी जी विराज। अच्छा बात भी है, पता नहीं स्वामी जी हमारी पूरी बात सुन पाए होंगे कि नहीं। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक व्यक्ति हमें मिला, हमने कहा तुम तो बड़े धार्मिक हो, बड़ी मालाएं वालाएं पहनते हो, क्या बात है। बोले गुरु जी हम 35 साल से गीता का उपदेश सुन रहे हैं। हमने कहा वाह क्या कहना, गजब हो। बोले महाराज कभी कभी गीता का उपदेश मिलता नहीं तो फोन से सुन लेते हैं। हमने कहा बहुत ऊंचे आदमी हो साहब। हमने कहा पर तू आगे को लोगो सुधरो का नहीं है,
35 साल से गीता को उपदेश सुन लो, सुधरा नहीं। धीरे से बोलता है, दरअसल गीता मेरी लुगाई का नाम। उनका तब ठीक है। वही हमें आप सबको देख करके लग रहा था कि इतना बोलने के बाद भी जयकारा नहीं लग रहा, कहीं ऐसा तो नहीं। पूज्य स्वामी जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, अपने अपने मताई बाप की, हम स्वामी जी के चरणों में प्रणाम फिर करेंगे, दंडवत करेंगे। स्वामी जी अपनी वाणी से हम आप सबको कृतार्थ करवे। जय सिया राम, बागेश्वर धाम की वंदे। तो आज हमने महाराज जी को दूर दूर तक ही देखा था, और भाई देखो, हमने साधु संत महात्मा देश दुनिया में बहुत देखे, अब हम तो जन्मते ही बाबा जी बन गए। लेकिन भाई ऐसे भी साधु संत महात्मा, गुरु आचार्य पीठाधीश्वर, ऐसे हमारे बागेश्वर सरकार जैसे स्मार्ट महात्मा भी बहुत बिरले ही है। अब ये तो अब एक बहुत पवित्र गुरु परंपरा, एक सन्यासी बाबा और जो दादा गुरु बाबा हैं, एक बहुत पावनी परंपरा, एकदम निखालिस तपस्वियों की परंपरा। ऐसी तपस्वियों की परंपरा में और भगवान हनुमान जी के अनुग्रह से ये महाराज बचे हुए, नहीं तो महाराज जो वाने तो एक गीता का उपदेश सुने, थारे कई गीता गड़े पड़ जाती। और यो वो गीता तो सबके भीतर उतरे, और या गीता तो दूर दूर ही रही हो महाराज। खैर ये तो हंसी मजाक की बात हुई, लेकिन हमारे महाराज जी बहुत पवित्र हैं, बहुत विद्वान भी हैं, बहुत धर्मात्मा भी हैं, बहुत ज्ञानी ध्यानी भी हैं, और अपने धर्म और संस्कृति पर बहुत बड़े स्वाभिमानी भी हैं। हाँ ऐसे ही होना चाहिए, अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी परंपराओं पर हमें विश्वास, गौरव, और जिसमें अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने पूर्वजों पर, वेद पर, दर्शनों पर, उपनिषदों पर, पुराणों पर निज पर गौरव नहीं है, फिर वो कैसा हिंदू, कैसा सनातनी, कैसे ऋषियों की संतान। हम बार बार कहते हैं एक ईश्वर की संतान है, एक पूर्व ऋषिकाओं की संतान है हम, एक भगवान राम और कृष्ण के, भगवान हनुमान जी के मानने वाले हैं। बोले बागेश्वर धाम की। अरे और जोर से, बागेश्वर धाम की। मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, गौ माता की, गंगा मैया की। आज तो गंगा मैया का अवतरण भी है, अक्षय तृतीया भी है, और अक्षय तृतीया में कोई साधु संत महात्मा का दर्शन, और वो भी बागेश्वर धाम जैसी सिद्ध पीठ पर हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। आज अक्षय तृतीया, और ऐसी अक्षय तृतीया में दो दो महात्मा मिल गए, और ऐसे ऐसे पवित्र दिन, गंगा जी का भी अवतरण दिवस, और आज कहते हैं कुबेर को भी खजाना मिल गया। भाई हमको भी एक छोटा भाई बड़ा प्यारा सा मिल गया। देखो साधु मिले तो सबसे बड़ी संपत्ति होती है। भगवत गीता में कहा, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम दया भूतेशलो लुप्तम मार्दम रीर चापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहनातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये तो दैवी संपद गिनाई, और दम्भो दर्पो विमान क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता माशुचः संपदम दैवीम अभिजातोऽसि पांडव। जिनको ऐसी
दैवी संपत्ति मिल जाए जो भगवत गीता में कही है, तो फिर तो जन्म जन्मांतरों के अक्षय पुण्य हमारे साथ जुड़ जाते, कभी क्षीण न होने वाले। ऐसे बोले बागेश्वर धाम की, बागेश्वर सरकार की, हमारे छोटे भैया की जोरदार जय हो गए, जोरदार ताली बजा जा। देखो अब तो महाराज ऑफिशियली हो गया है अफेयर, क्या बताएं, आजकल बड़ा अफेयर चलता है इधर, अफेयर के फेर में मत पड़ना, लेकिन किसी महात्मा के प्रेम में पड़ गए तो फिर जीवन ही तर जाएगा, नहीं तो फिर मरेगा। दुनिया बहुत खतरनाक है। एक राजस्थानी लोकगीत है, और राजस्थान और ये मध्य प्रदेश और ये सब हरियाणा, ये सब मिलता जुलता ही राग है सब। दुनियादारी ओ गणगारी, ए तालियों के साथ यहां कोई साजिंदे तो है नहीं महाराज, थोड़ा ऐसे ही मामला, ठीक है अब साधों की जरूरत नहीं, चलो तालियों के साथ। दुनियादारी ओ गणगारी, जन भेद मत दी जो है, निरब रही जो है। दुनियादारी ओ गणगारी, जन भेद मत दी जो है, मारी निरब रही जो है। तन में गरीबी, मन में फकीरी, दिल में दया राख जो है। तन में गरीबी, मन में फकीरी, दिल में दया राख जो है। संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, सांच कमही जो है, मारी निर्भर जो है। दुनियादारी ओ गणगारी, जन भेद मत दी जो है, मारी निर्भर जो है। क्या उपाय है? ओ इस शरीर में ना, मन में और जीवन में इतने विकार हैं, तो क्या करना, किसी अच्छे गुरु की चरण शरण बस एक बार पकड़ी तो फिर छोड़ना। बहुत बड़ी बात है, एक चीज पकड़ के रख लो, बागेश्वर धाम पकड़ लिया तो बस पकड़ लिया, एक गुरु का पल्ला पकड़ लिया, एक नाम, एक मंत्र, एक आराध्य पकड़ लिया तो छोड़ना नहीं, फिर तो भगवान अपने आप संभाल लेंगे। ये संसार में ना बहुत मामला गड़बड़ है, यह मैं देख रहा था, इतने लोग दुखी हैं, कोई घर से, कोई बिजनेस से, कोई व्यापार से, और न जाने कैसे कैसे जीवन में दुख है। लेकिन एक बात तो सच है, यदि हम भगवान को सच्चे हृदय से कोई प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं, ये तो बात पक्की। और किसी स्थान पर किसी देखो किसी स्थान पर किसी महापुरुष का किया हुआ पुण्य होता है ना, किसी स्थान पर किसी महापुरुष ने कोई तप किया होता है, तप बड़ा है, धन बड़ा नहीं, दौलत बड़ी नहीं, सत्ता संपत्ति ऐश्वर्य बड़ा नहीं, सत्ताएं तो आई और चली गई, 565 रियासतें थी हिंदुस्तान में 70 साल पहले, आज एक का भी कोई नामोशन नहीं दिखता है, सब राजपाट खत्म हो गए, सब बड़े बड़े अमीर लोगों के साम्राज्य ढह गए, अंग्रेजों का 150 से ज्यादा देशों में साम्राज्य था, आज अपने भी 3 टुकड़े होने के कागार पर है, बहुत बुरी हालत है। सत्ता और संपत्ति स्थायी नहीं है, तप युगों युगों तक चलता है, युगों युगों तक चलता है। यहां जो दादा गुरुजी ने तप किया, सन्यासी बाबा ने तप किया, और महाराज अब आप छोटी आयु में अब तपस्या के मार्ग पर चल पड़े, एक तरफ तो आपसे बहुत प्यार आ रहा है और दूसरी तरफ महाराज बहुत लंबी यात्रा है, लेकिन गुरुओं की कृपा से महाराज आपका भी तप बना रहेगा, क्योंकि जो गुरु के चरणों में रहता है ना, मैं भजन गा रहा था अभी,
गुरु चरणा में शीश नवाए के गुरु वचना में रही जोए, गुरु चरणा में शीश नवाए के गुरु वचना में रही जोए। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जोए हिल मारी निरब रही जोए। हाथ उठा के दुनिया धारी हो गणगारी जन भेद मत दी जोए, हिल मारी निरब रही जोए। दुनिया धारी हो गणगारी जन भेद मत दी जोए, हिल मारी निरब रही जोए। हेली मारी सांच कमाई जोए, हेली मारी शीतल रही जोए। बोले बागेश्वर धाम की, सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की, वंदे जय सियाराम, जय जय सियाराम। तो देखो भाई, ये जो मन में राम है ना, वो मन में प्राण में आत्मा में ऐसा रम जाना चाहिए कि हर एक बालक राम जैसा हो जाना चाहिए, माँ बहन बेटी को सीता जैसा हो जाना चाहिए। यह है राम की भक्ति। अब तुम ऊपर से राम राम करो और काम रावण जैसो करो और घर में जाकर के पौवा पियो, यो काम मत करियो। तो एक संकल्प ये भी लेके जाओ, जो बागेश्वर धाम में आ गया वो बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पिएगा, तो जय जय श्री राम पूरा होगा। तो पक्की बात, तो किसी को भी बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा मसाला ये सब मामला नहीं जमेगा। अब बताओ, हनुमान जी गुटखा खावे हैं क्या? राम जी को कोई सिगरेट को कोई दारू को कोई भोग लगावे हैं क्या? तो फिर तुम अपने क्यों लगाओ? अब ऐसे राम की भक्ति करो तो ये सारे ठेके उखाड़े जाने चाहिए पूरे हिंदुस्तान से। बकवास कर रखिए, जिसको देखो बेचारा गरीब आदमी उन्हीं में मरा जा रहा है। जितना दारू पी रहा है, 10 लाख करोड़ पैसे आदमी की, ज्यादा की तो दारू बीड़ी सिगरेट शराब पी जाता है, कितने की? 10 लाख करोड़। और हम कहते हैं हम ऋषियों के संतान है, ऋषि पुत्र है, ऋषि पुत्र सांझ होते होते शिशि पुत्र हो जाते, पौवा आधा, और कोई तो पूरी की पूरी लीटर की लीटर ठोक दे। तो आज संकल्प लेके जाइयो, आज के बाद बीड़ी सिगरेट शराब मुंह ते नहीं लगाइयो। बोलो जय जय सियाराम, बात पक्की एकदम। अब महाराज जी कहते हैं बार बार आइयो महाराज, एक बार में आने के लिए 1 लाख लोगों का बीड़ी सिगरेट शराब छोड़ना जरूरी है, यो मेरी दक्षिणा है। बात पक्की। अब जो पी रहे नहीं वो तो ताली बजा रहे, बाकी तो चुपचाप बैठे, कोई यो का काम हो गया भाई। ये मामला तो जवान है। तो देखो महाराज जी अपने धर्म अपनी संस्कृति और अपनी भगवा परंपरा के ध्वजवाहक हैं। जोरदार ताली ठोको महाराज जी के लिए। वह हम रास्ते में आ रहे थे तो हमारे एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वो भी लक्ष्मण भाई ने बोला बागेश्वर धाम का कोई वीडियो दिखाओ। तो पहला ही वीडियो देखा तो बोले कोई जिंदा आ गया, बोले मैं देखूंगा बागेश्वर धाम को। महाराज जी ने उसकी धज्जियां उड़ा डाली। तो ये रोज महाराज जो अच्छे अच्छे जिंद और जिन्नादों को उड़ा देते हैं तो थारी बीड़ी सिगरेट भी उड़ा देंगे। हाँ, ये भी घर में जिंद है कि जिंदा जिंदा है। हाँ, बाकी तो भूत प्रेत बाधा सब महाराज जी जो भी है सिर पटक के फोड़ देते हैं, जो भी है ठीक है। तो खैर आज हम देखो आए तो हमको, हम तो अपने छोटे भाई से प्रेम करने के लिए आए। तुम्हारे लिए ये बागेश्वर सरकार है भाई, हमारा तो इनको जुगन जुगन को प्यार है। और अपने सनातन धर्म में ऐसे युवा गुरु आचार्य तपस्वी योगी महात्मा जब ऐसे देखते हमको बहुत गौरव होता है। तो अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए आए। और बाकी आप सब भी बहुत प्यारे और बहुत भक्ति आप में। अब सुबह से आप यहाँ खूब
दर्शन कर रहे हैं भगवान जी के। दो तरह की शक्तियां हैं देखो भाई, एक तो अपने कर्म की शक्ति है, तो कर्म तो अपना कभी मत छोड़ियो। क्या बोला? अपना कर्म कभी छोड़ना, और कर्म को तो भगवान की पूजा मान करके करना है, ऐसा भगवत गीता में कहा, स्वकर्मणात्म अभ्यर्च्य सिद्धिं। तो कर्म है हमारा धर्म है, कर्म हमारी पूजा है। बोलो कर्म हमारा धर्म है, जोर से बोलो कर्म हमारा, कर्म हमारी पूजा है, कर्म हमारी क्या है। और फिर बीच में कोई बाधाएं आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, तो भगवान से प्रार्थना करो। तो एक को बोलते पुरुषार्थ, क्या बोलते हैं एक को बोलो, और दूसरे को बोलते प्रार्थना। लेकिन जो पुरुषार्थ नहीं करता उसकी प्रार्थना भी कभी पूरी, ये बात भी पक्की। तो देखो पुरुषार्थ तुम करो, बाकी प्रार्थना सुनने के लिए तो बागेश्वर धाम है ही तुम्हारा। तो ये दो बातें पक्की है, लेकिन ऐसे अपने मन में विश्वास रखो और फिर अपने समस्त देवी देवता सारी अदृष्ट शक्तियां सब देवाधिदेव परमात्मा देव सबका अनुग्रह आपके साथ में रहेगा। और महाराज जी तो फिर इनके ऊपर ये गुरु की और भगवान की सन्यासी बाबा की इनके ऊपर कृपा है, इनको आशीर्वाद है। तो अब जिस पर गुरु की दादा गुरु की सन्यासी बाबा की स्वयं भगवान हनुमान जी की, और ये तो देखो ये हमको यहाँ आने से पहले इतना नहीं पता था कि ये तो हम जिस गांव में, हम तो गांव में पैदा हुए गांव के आदमी भाई, गांव की सब बातें जानते हैं, लेकिन ये गांव तो बहुत ही छोटा सा गांव है, लेकिन इस गांव का दिल बहुत बड़ा है। और गांव में श्रद्धा बहुत अपने धर्म अपनी संस्कृति अपने बड़ों के प्रति अपने गुरुओं के प्रति, हाँ ऐसे ये होनी चाहिए। तो यहाँ इस स्थान का तप, इस स्थान की पुण्याई, इस स्थान का जागृत जो धर्म की ज्योति, और उसमें आप सबकी श्रद्धा और भक्ति की आहूतियाँ, और फिर अलग अलग जैसा हमारे मंच संचालक बता रहे थे, वो भी बड़ा सुतरा सा छोरा है, कि ऐसे गाय की सेवा का, अन्नपूर्णा की सेवा का, और फिर तो हमारा अब ये आने वाले, मैं तो देख रहा हूँ कई थोड़े से वर्षों में, एक दो दशकों में ये मतलब ये जंगल में एक महान मंगल होने वाला है, ऐसा पूरा चारों। देखो जब अपने बड़े पुण्य करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, वो उनकी तप का, साधना का, सिद्धियों का, उसका असर फिर देखो वो तो होता है। तो अपने पूर्वजों ने तप किया, भद्रम इच्छन्त ऋषयः सर्वदा तपो दीक्षाम उपनिषद अग्रे ततो राष्ट्रम बलम उजस्य जातम तदस्मै देव आपसम नमन्तु। वो फल अब वो पुण्य अब फलीभूत हो रहा है। खैर तो मैं बस अब क्योंकि जाना है। अच्छा तुम में से योग कितने करते हो, हाथ उठाइयो जरा ईमानदारी से, इतने करो, बाकी क्या भोग करो, बोलो इतने तो योग करो, बाकी योग नहीं करते ना। जो योग नहीं करता फिर वो भगवान हनुमान जी तो महायोगी हैं, तुमको तो धरती पर चलना नहीं आता, वो तो आकाश गमन करते थे। तो जो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी महायोगी हैं, बोलो हनुमान जी क्या है, भगवान शिव भोलेनाथ, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम हर हर महादेव तो करते हैं और योग नहीं करते, तो इसका मतलब अब हर हर महादेव नहीं होगा, फिर मानमला कुछ और ही हो जाएगा। देखो इसलिए जो भगवान शिव को मानते हैं, भगवान हनुमान जी को मानते हैं, जो भगवान राम कृष्ण को मानते हैं, गौतम कणादि जैमिनी पाणिनी पतंजलि की पावनी परंपरा को मानते हैं, उनको योग तो करना ही है। तो कल से योग जरूर करिए। अब ये अब मेरे जितना कठिन योग ना हो, अब मैं तुमसे कहूं कि पेट हिलाओ तुम पूरे हिलने लग जाओगे। अब पेट हिलाने के लिए तो अब पेट पतला भी तो होना चाहिए। अब तुम हिलाओगे तो पीछा हिलने लगेगा।
तब सुनो, अब हमको जाना है, हम आपको प्यार करने के लिए आए और अपने छोटे भाई को भी दुलार करने के लिए आए। तो एक बार फिर से मेरे अंतर मन से, पूरे पतंजलि योग पीठ की ओर से, पूरे हरिद्वार ही नहीं पूरे सनातन धर्म की संत परंपरा की ओर से, पूरी भगवान संस्कृति सनातन संस्कृति की ओर से, हमारे बहुत ही लाडले बहुत ही प्यारे छोटे भैया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, एक विद्वान तपस्वी, एक गुरु, एक एक बात ही पावनी परंपरा के संवाहक, एक अपने ऋषि संस्कृति के उद्घोषक और अपने ऋषि परंपरा के एक उत्तराधिकारी और जीवंत स्वरूप बनकर के अपने धर्म संस्कृति का झंडा आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। ऐसे हमारे परम आत्मीय पूज्य हमारे अब साधु जो स्वरूप में आ गया, अपने ऋषि परंपरा आ गया, ऋषि परंपरा में जो आ गया वो छोटा भी हमारे लिए पूज्य ही है। तो हमारे पूज्य श्रद्धे हमारे बागेश्वर सरकार को एक बार मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, और बागेश्वर धाम की।